नमस्कार। एक बार पुनः हम उपस्थित हैं प्रोफेसर राजेश मिश्रा सर के साथ। हमने इसके पहले भी सर के साथ एक लंबी बातचीत की थी उत्तर प्रदेश में समाजशास्त्र के इतिहास पर। आज हम सर से अपनी बातचीत का जो मेन मुद्दा रखना चाह रहे हैं या बातचीत का आधार है प्रोफेसर बृजराज चौहान का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है सोशियोलॉजी में और रूरल सोशियोलॉजी के फील्ड में उनका क्या कंट्रीब्यूशन था। सर आप प्रोफेसर बृजराज चौहान सर के स्टूडेंट भी रहे हैं, आपने उनके सानिध्य में एमफिल की डिग्री पाई और आपने पीएचडी भी उन्हीं के निर्देशन में अपनी पूर्ण की, और इसके अलावा भी सर का लंबा और गहरा सानिध्य रहा है, संपर्क रहा है। और मैं इसी श्रृंखला की कड़ी हूँ, मैं ये अपने हर वीडियो में बताती रहती हूँ आप सभी को। तो सर के जरिए ही मेरी भी कई बार मुलाकात प्रोफेसर बृजराज चौहान सर से हुई, सर के घर पर हुई, तो ये सौभाग्य सर की वजह से ही मुझे मिला। तो सर हम लोग बातचीत शुरू करते हैं। सर अभी हम अपने पहले वाले वार्तालाप में ये चर्चा कर रहे थे समाजशास्त्र के लखनऊ संप्रदाय की। तो लखनऊ संप्रदाय का जो चैप्टर है, जो अध्याय है समाजशास्त्र का, भारत में समाजशास्त्र का, उसमें प्रोफेसर बृजराज चौहान का क्या रोल रहा है, उनकी भूमिका क्या थी, उनका योगदान क्या था, वो भी इस चैप्टर का एक हिस्सा है। प्लीज आप बताएं। देखिए, ऐसा लगता है आज भी हम, मैं और मेरे जैसे कई लोग होंगे जो प्रोफेसर चौहान को मिस करते हैं कई कारणों से। उनमें से एक कारण ये भी था कि वो एक एक ऐसे, ये तो मैं नहीं कहूँगा स्टोरी टेलर थे, लेकिन उनकी याददाश्त इतनी शार्प थी कि वो ये अक्सर अपनी याददाश्त से बहुत सजीव वर्णन करते थे पूरे दौर का, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी का जी, या डीपी मुखर्जी की क्लास का जी, या राधा कुमार मुखर्जी की क्लास का। या उन्होंने कई बार मुझे ये भी बताया कि राधा कुमार मुखर्जी उनको बहुधा सुबह बुलाया करते थे, तो उनकी राइटिंग काफ़ी ठीक थी और कोई मिस्टेक नहीं करते थे। और राधाकृष्ण मुखर्जी अक्सर जब भी कोई प्रतिदिन, लगभग प्रतिदिन एक सुबह सुबह बैठकर वो कुछ लिखते थे, लिखने से ज़्यादा वो डिक्टेट करते थे अपने स्टूडेंट को। और वो डिक्टेशन जो होती थी वो ही एक दो दिन बाद क्लास में पढ़ाई भी जाती थी उसके बारे में, और फिर वो डिक्टेशन लेके वापस ले लेते थे। और साल भर में जितनी डिक्टेशन होती थी, उस समय सेमेस्टर सिस्टम तो था नहीं, एनुअल सिस्टम था, तो वो सारे नोट्स बनकर उनके साथ जाते थे गर्मियों की छुट्टियों में कोलकाता। और बड़ा बड़ा 30 अप्रैल को टिकट बुक होता था उनका हावड़ा मेल से, और लोग छोड़ने भी जाते थे उनको, और वो जुलाई के दूसरे सप्ताह आते थे और किताबों को बंडल लेके आते थे, वो किताब शाया हो जाती थी जी। तो चौहान साहब जो थे वो उनके डिक्टेशन लेने वाले काफ़ी थे, तो इस किस्म की मतलब ही वॉज ए ट्रमेंडस स्टोरी टेलर, खासतौर से लखनऊ यूनिवर्सिटी उनके जहन में एकदम तैरती रहती थी और अक्सर उसको बयां करते थे जी। तो एक एक जिसको डिसाइपल कहते हैं, मैं वो डिसाइपल थे लखनऊ स्कूल के, जिन्होंने लखनऊ स्कूल को या यूँ कहिए लखनऊ के सोशियोलॉजी के ट्रेडिशन को जिया भी, आगे भी बढ़ाया और उसको प्रसारित भी किया। मतलब ये कोई छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन नहीं, बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन उनमें एक खास बात थी, वैसे तो वो अपने पूरे पर्सनैलिटी में बहुत पारंपरिक जैसे लगते थे,
और लेकिन उनके स्टाइल में, उनके लेखन में, उनके सोच में, उनके विश्लेषण में परंपरा यहाँ तक नहीं गई थी कि वो केवल वही जो यहाँ कहा गया है वही कहें। उनका परंपरा को आगे बढ़ाने का मतलब ये था, कभी जो डीपी मुखर्जी ने भी कहा कि परंपरा को रैशनलाइज करना, मतलब डीपी मुखर्जी का जो मॉडर्निटी का कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ही ये है कि मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन, और मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन मतलब है ट्रेडिशन को रैशनलाइज करना, उसको विवेक सम्मत बनाना। मुझे लगता है कि ये डिक्टम अप्लाई कर सकता है चौहान साहब का जो योगदान है, जिसको तुमने लखनऊ स्कूल कहा जी। मैं जिसको लखनऊ ट्रेडिशन ऑफ सोशियोलॉजी कहूँगा, उस ट्रेडिशन में यही उनका योगदान है जी। उन्होंने कैसे डी एन मजूमदार के एम्पिरिकल प्रैक्टिस को, उनके एम्पिरिकल वर्क्स को अपने जीवन में उतारा और ज़बरदस्त तरीके से एम्पिरिकल वर्क किया, फील्ड वर्क किया जी। और फिर उन्होंने उस फील्ड वर्क के आधार पर जो भी कुछ किया उसको एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में बुन दिया जी। तो वो केवल मात्र एक एम्पिरिकल साइंटिस्ट नहीं थे जी। वो बहुत से लोग ऐसे लोगों को कभी एम्पिरिसिस्ट भी कह देते हैं, हालांकि फील्ड वर्क पे उनका बड़ा एम्फेसिस था जी। लेकिन वो फील्ड वर्क से जो भी फैक्ट्स गैदर करते थे उन फैक्ट्स को एक पर्सपेक्टिव में, एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में बुनना काम उनका महत्वपूर्ण काम था और उससे आगे जाना। जैसे उनका जो राजस्थान विलेज का कंट्रीब्यूशन है उसका मुख्य कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने रॉबर्ट रेडफील्ड के लघु समुदाय की अवधारणा को भारत के संदर्भ में उसकी सीमाएं बता दी कि भारत के ग्रामीण समुदाय को क्यों लघु समुदाय के उस कॉन्सेप्ट में नहीं रखा जा सकता जिसमें रॉबर्ट रेडफील्ड जिसको देते हैं जी। और इस तरीके से रॉबर्ट रेडफील्ड से भी आगे बियॉन्ड चलेंगे। इस संदर्भ में मुझे एक जो अंग्रेजी में अक्सर मुझसे कहा करते थे और जो मैंने अपनी अपने रिसर्च वर्क में और अपने सोच में आगे बढ़ाया जी। वो ये कहते थे कि कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब है बियॉन्ड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओरिजिन, गंभीर शब्दावली है, मतलब संदर्भ के जो संदर्भ है ओरिजिन का, उद्भव का जो संदर्भ है उसके परे ले जाना, वो ही कोई साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन है जी। इसका यह मतलब है कि अगर लखनऊ के किसी एक अध्ययन में, डी एन मजूमदार के किसी अध्ययन में कोई निष्कर्ष निकले जी। वो निष्कर्ष कैसे उस कॉन्टेक्स्ट के बियॉन्ड अप्लाई किए जा सकते हैं, तब वो मुख्य साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन है जी। तो मुझे लगता है कि चौहान साहब को इन्हीं दो बातों में उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को ब्रीफली लिमिट किया जाना चाहिए जी। कि वो लखनऊ ट्रेडिशन को जो यहाँ के ओरिजिन का कॉन्टेक्स्ट था जी। उसके बियॉन्ड लेके उसके बियॉन्ड सर उन्होंने कुछ और सुझाया क्या? ये तो मैं कह रहा हूँ, उसके बियॉन्ड ले जाने का मतलब ये हुआ कि जैसे उन्होंने जो अपने अध्ययन किए, जो भी अध्ययन किए उन अध्ययनों में, जैसे उनका एक जो अंतिम किताबों में से एक है जी। रूरल लाइफ करके जो किताब है उनकी जी। उस रूरल लाइफ किताब जी, में रूरल लाइफ ग्रास रूट्स पर्सपेक्टिव, इस किताब का एक बड़ा प्रमुख सार है और ज्यादातर कभी कभी वो ग्रामीण अध्ययनों में भी नहीं दिखाई देता और अध्ययनों में जी। एक प्रमुख सार ये है कि 10 थीसिस उन्होंने प्रतिपादित की है जी। कि इन 10 थीसिस के आधार पर रूरल लाइफ को समझा जाना चाहिए जी। उन 10 थीसिस में मैं सारे थीसिस की चर्चा करना तो मुनासिब नहीं होगा, इतने उसके ऊपर पूरा भाषण करना पड़ेगा जी। लेकिन जैसे एक थीसिस में बताऊं, बल्कि इस किताब पे एक चैप्टर भी है और मैंने देखा राजस्थान विलेज में उनकी किताब का जो पहला चैप्टर है वो भी उसी आशय को कन्वे करता है जी।
उनकी और किताबों में भी कन्वे होता है, वो है विलेज हिस्ट्री इन ए विलेज एंड विलेज इन ए हिस्ट्री। ये जो पर्सपेक्टिव है जी। ये पर्सपेक्टिव शो करता है कि कभी कभी बहुत से लोग ये कहते हैं कि चौहान, प्रोफेसर चौहान इमाइल दुर्खाइम के या फंक्शनलिज्म के डिसाइपल हैं और वो फंक्शनलिस्ट हैं, लेकिन ये पहली थीसिस उनकी गांव के अध्ययनों में कि हिस्ट्री में विलेज और हिस्ट्री के हिस्ट्री में विलेज और विलेज में हिस्ट्री, इतिहास में गांव और गांव में इतिहास, ये एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है गांव के अध्ययनों का। ये उन्होंने शो किया जी। ये शो करता है कि वो फंक्शनलिज्म के भी कॉन्टेक्स्ट के बियॉन्ड जाते हैं और वो यहाँ की जो ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव है, जो हिस्टोरिकल एक पर्सपेक्टिव जो दीपी मुखर्जी के पर्सपेक्टिव में दिखाई देता है जी। उसके भी बियॉन्ड जाने की कोशिश करते हैं। दैट इज द मेन कॉन्ट्रीब्यूशन और ये एक प्रमुख बात है जी। और सर, ये प्रोफेसर चौहान का ये कहना था कि जो पहले के बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन हुए हैं उनका पुनरअध्ययन भी किया जाए, और अपने जो अंतिम समय में जो उन्होंने जो काम किया उसमें शायद उन्होंने कुछ डाटा भी इकट्ठा करने की कोशिश की कि जो लोग काम कर रहे हैं गांव का पुनरअध्ययन कर रहे हैं उनको एक जगह इकट्ठा किया जाए। तो मुझे लगता है कि एक तो गांव का अध्ययन और फिर उनके पुनरअध्ययन की बात की, तो उसके आगे हम कहां तक जाएं, क्या पुनरअध्ययन के बाद फिर हम रूरल सोशियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में मतलब हमें किस तरह के अध्ययन करने चाहिए, किस प्रकार के? अच्छा सवाल पूछा तुमने। इस सवाल में मैं थोड़ा सा कुछ जोड़ घटाना करूंगा, माइट मत करना। जी जी बिल्कुल। मैं तुम्हें तुम्हारा जो अध्ययन है उसको भी याद दिलाना चाहूंगा जी। चौहान साहब विलेज ट्रिप्स के, जो विलेज के जो ट्रिप्स किए जाते हैं जी। उसके वो ये समझो कि जैसे हम लोगों को कुछ एक ऐसी आदत हो जाती है ना, जो जो कभी कभी एडिक्शन कहते हैं उसको जी। तो एडिक्शन के लेवल पर ये मैंने वो ऑब्जर्व किया था कि जो रनखंडी विलेज है, जो एससी दुबे का विलेज है, इंडिया चेंजिंग विलेज का, कितनी बार चौहान साहब उसमें गए होंगे, कितनी बार अपने स्टूडेंट्स को भेजा होगा जी। जब मास्टर प्रोग्राम में हर मास्टर के स्टूडेंट को 15 दिन उस विलेज में जाके रहना पड़ता था, जहाँ वो पढ़ा रहे 15 दिन रहना ही था, और रहने के लिए कोई अलग से कोई स्थान नहीं होता था कि होटल में जाके टिक जाओगे या कहीं, बड़ा विलेज था उस दौर में, 10,000 लोगों का विलेज था। वहां लोगों को अपने आप ये तय करना पड़ता था वो किस घर में रुकेंगे और घर वालों से कैसे है। उनका मतलब ये सारा उनका ये बताता है कि वो मेथोडोलॉजी भी इसमें है, पर्सपेक्टिव भी इसमें है, गांव के अध्ययन कैसे करें ये भी है, और ट्रेनिंग भी इसमें, सब कुछ इसमें है। और वो तो मैं उस संदर्भ में ये कह रहा था कि पूरी बात को जोड़ दूंगा मैं कि जो यहाँ विलेज है जिसका अध्ययन तुमने किया जी, गुहाना के नाम से, डीएन माजूमदार का विलेज कही है। तो इत्तेफाक से जो वहाँ डीएन माजूमदार खुद तो अध्ययन नहीं किया था, खुद तो कभी कभी जाते थे या मेन सुपरवाइजर थे जी। उनके कुछ स्टूडेंट्स टीम थी वहाँ, उसी टीम के 2 सदस्यों के साथ एक बार में 90s में 96 हो गए ऐसे कुछ हो गए, 28 साल के ऊपर रहने बात हो गई। चौहान साहब आए, यहाँ आए, रिटायर हो गए थे जी। आते थे मेरे पास, अक्सर टिकते थे, उन्होंने कहा कि मुझे उस विलेज जाना है जी। अब मैं विलेज में पहली बार उनको ले गया, तो उस समय विलेज के वो लोग जिंदा थे जो जो इन्फॉर्मर थे, उन्हीं के खाना वाना खुआ गए, और वहीं उन्होंने कहा मुझसे कि अब आपने बहुत इधर उधर स्टडी कर लिया, कुछ कभी गांव को भी देख लीजिए, कुछ गांव की स्टडी करते नहीं तो करवा लीजिए। तब से मेरे जहन में आया पुनर्स्टडी, वहीं से जोड़ रहा हूँ मैं कि पुनर्स्टडी चौहान साहब के लिए इम्पोर्टेंट है जी।
और यहाँ मैं बताता चलूँ कि चौहान साहब जितने भी महत्वपूर्ण अध्ययन हुए हैं भारत के गाँव के सभी गाँवों में उन्होंने विजिट किया, चाहे वो रामपुरा विलेज है, उसमें भी मेरे एक पीएचडी स्टूडेंट उनके साथ थे, चाहे वो ये विलेज है जिसमें मैं उनके साथ था, चाहे एक और विलेज है जो फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में मिल्कीपुर में डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर भी वो मेरे कई स्टूडेंट्स को ले गए साथ में और वहाँ गए, और वो शामिर पेट भी गए जो एससी दुबे का स्टूडेंट है जो इस विलेज है, और मैंने बताया रणखंडी भी गए, सब जगह मतलब वो मेरे ख्याल में सब सारे गांव जो लोगों के अध्ययन किए हैं उन्होंने वो विजिट किए सब गांव के जी। एक बार वो आंध्र बेते के विलेज भी गए थे जिसका आंध्र बेते नाम, वो भी हम स्टूडेंट्स लोग साथ थे उसके, हम सबको ले गए थे। तो जो एक री उनका दो चीज़ें थी इससे तो एक तो ये है कि ये एक रिगरसनेस लाता है रिसर्च में, अगर पहले किसी ने अध्ययन किया है आप भी अध्ययन कर रहे हैं तो ये उस बात को सत्यापित करता है कि दूसरे व्यक्ति ने वो अध्ययन वहाँ किया है, है ना, रिगरसनेस भी आती है। और पूर्व स्टडी में तो इन सोसाइटी इज अ चेंजिंग रियलिटी, वो हर समय जो क्षण क्षण केवल परिवर्तन नहीं बल्कि प्रक्रियात्मक रियलिटी भी है, प्रोसेसुअल है, तो जो प्रोसेस पूरे हो रहे हैं जो आपके ऑब्जर्वेशन में अधूरे रह गए थे बाद में पूरे हुए, तो वो प्रोसेस का भी कंप्लीट साइकिल हो जाए और वो चेंज भी सामने आ जाए, इसलिए रिविजिट बहुत इम्पोर्टेंट है। और उनके उसी कारण से मैंने अपने तीन स्टूडेंट्स को एक इकोनॉमिस्ट ने एक विलेज को स्टडी किया था, वहाँ मैंने दो महीने के लिए डेढ़ महीने के लिए पौने दो महीने के लिए भेजा, वो लोग तीनों जाके वहीं रहे और मैंने उनको यही कहा कि वहाँ जाके रहो और बहुत बेहतरीन रिपोर्ट्स बनाई जो अल्टीमेटली उनकी एमफिल थीसिस बनी, उन लोगों ने बहुत बेहतरीन रिपोर्ट अभी भी कहीं पाए, तो उनमें वो लोग कहीं काम कर रहे हैं। तो ये एक अप्रोच कि उनको गाँव में जाना गाँव को रिविजिट करना जी। ये मैंने इसलिए कहा एडिक्शन के लेवल तक गया हुआ था जी। कहीं भी पहुंचे गाँव को रिविजिट करना जी। और किस उम्र में वो मेरे ख्याल में 80 साल के प्लस उम्र में जी, जी। वो गाँव में रिविजिट करते रहे जी। मैंने खुद सब उनको काम करते देखा है और कंप्यूटर पे काम करते हुए उनको देखा है 80s के आसपास। तो लेकिन सर ये पुनरअध्ययनों के आगे अगर इसके अलावा कोई रूरल सोशियोलॉजी के फील्ड में काम करना चाहता है तो वो कौन से इमर्जिंग एरियाज हैं जिसमें काम करना चाहिए? गांव में तो बहुत इमर्जिंग एरियाज हैं, अब चूंकि मैं मुझे प्रेरित कर दिया उन्होंने गाँव से के अध्ययन में कराऊँ जी। एक अध्ययन जो उन्हीं से प्रेरणा से पैदा हुआ रूरल अर्बन इंटरेक्शन का जी। और जो वो और फ्रिंज एरियाज के अध्ययनों का जी। मेरे कई स्टूडेंट्स ने वो काम किए हैं या कर रहे हैं अभी भी कि जो ऐसे गांव जो शहर में शामिल होने के लिए भी करा रहे हैं जी। ऐसे गांव के अध्ययन करना, ऐसे गांव जो जहां से हर काम के लिए हर समय शहर से लोग जाते हैं और शहर अपने तरीके से वहाँ पहुँच गया है जी। बैंक के रूप में शहर के लोग वहाँ बैंक में काम करते हैं वापस लौट आते हैं वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें, उससे शहर और गांव जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं इंटरफेस होते हैं उनके क्या प्रभाव आ रहे हैं? अब तो सर ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी ग्लोबलाइजेशन तमाम चीज़ें हैं जो विस्तृत एरिया है, गाँव बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं, गांव बहुत तेजी से उनका तेजी से विस्तार हो रहा है। कभी कभी अगर हम स्टैटिस्टिकली गांव को डिफाइन करते हैं कि 5,000 लोगों का कि किसी बस्ती को गांव कहते हैं या 10,000 लोगों की बस्ती को गांव कहते हैं, तो गांव हिंदुस्तान के गांव अब ऐसे बचे नहीं हैं, ज़्यादातर गांव इससे ज़्यादा जनसंख्या वाले गाँव हैं, बड़े बड़े गाँव हैं, गाँव के विभिन्न सेक्शंस हैं जो अलग अलग नामों से अलग अलग एरिया में पुकारे जाते हैं, मजरा कह लीजिए कुछ और कह लीजिए तमाम किस्म के, उन सेक्शंस को स्टडी करना उन सेक्शंस के इंटरेक्शंस को स्टडी करना, तो
तो गांव ने तो बहुत सारे एरिया अनफोल्ड कर दिया है। अब एक जिसमें चौहान साहब की रुचि उतनी नहीं थी, लेकिन एक दो लोगों ने काम भी किया, उनके स्टूडेंट्स ने, कि गांव में जो क्लासेस एमर्ज कर रही हैं या एमर्ज कर गई हैं, उनका क्या स्वरूप हो रहा है, यानी कि एग्रेरियन स्ट्रक्चर कह लीजिए, क्लास स्ट्रक्चर कह लीजिए उसको, उसका भी अध्ययन करना। तो तमाम किस्म के अध्ययनों का ये दौर चला है ग्रामीण अध्ययनों का। तो सर, क्या मेथड्स के स्तर पर भी प्रयोग होने चाहिए? क्यों हम केवल स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का ही प्रयोग करें, या फिर हम लघु समुदाय को ही अप्लाई करें, या फिर हम कोई ऐसी और अवधारणा को लागू करने का प्रयास करें? मैं आपके बात से सहमत हूँ कि केवल एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव या कंसेप्चुअल पर्सपेक्टिव से, कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही गाँव के अध्ययन नहीं होने चाहिए, वो तो होने ही चाहिए, ये अपनी जगह है। गांव के अध्ययनों में अब मेथोडोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स करने का भी एक युग है। कभी टीबी बॉटमोर ने सोशल एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी का मीटिंग पॉइंट के बारे में, कि दोनों ये दो डिसिप्लिन हैं, अलग अलग डिसिप्लिन हैं, एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी, वो जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं, मिलते हैं, तो कहाँ मिलते हैं, तो उन्होंने एक एग्जाम्पल भारत के गाँव को कहा, और ये कहा भारत के जो गांव हैं वो एक ऐसी जगह है जहां ये दो डिसिप्लिन्स मिलते हैं, उसमें अंतर्निहित है जो उन्होंने कहा है, इम्प्लाइड है कि ये मेथोडोलॉजिकल मीटिंग भी है। देखिए, जब सोशियोलॉजी विकसित हुई यूरोप में तो उसका मेथड था सर्वे मेथड, मेनली सर्वे, क्योंकि सोशियोलॉजी एक अर्बन सोसाइटी की, एक इंडस्ट्रियल अर्बन सोसाइटी की स्टडी के रूप में विकसित हुई शुरू में, और एंथ्रोपोलॉजी एक प्रिमिटिव मेन के, प्रिमिटिव सोसाइटीज के स्टडी के रूप में विकसित हुई। लेकिन भारत के गांव एक ऐसी जगह बने, जो टीबी बॉटमोर ने कहा कि वहां ये दोनों चीजें मिल जाती हैं, न तो प्रिमिटिव सोसाइटी है और न ही इंडस्ट्रियल अर्बन सोसाइटी। जाहिर है सोशियोलॉजी की मेथोडोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी की मेथोडोलॉजी दोनों का मीटिंग ग्राउंड भी हो सकता है। अब मैंने अभी आपसे कहा गांव बड़े बड़े हो गए हैं, गांव की तमाम किस्म की इश्यूज सामने आ रहे हैं जिनकी आप स्टडी करेंगे। हर स्टडी आप फील्ड वर्क से, एंथ्रोपोलॉजी से नहीं कर सकते, कुछ स्टडी करने के लिए आपको सर्वे मेथड्स भी अपनाने पड़ेंगे, ये अपनाते हैं लोग। तो इस तरीके से एक मेथोडोलॉजिकल कोल्स, एक मेथोडोलॉजिकल मिश्रण शायद जरूरी है गांव के अध्ययनों के लिए, आज के गांव के अध्ययन। जी सर, जो कि भारत में आज भी ग्रामीण जनसंख्या बहुत बड़ी संख्या में है, और लगभग 70% के आसपास या 60-70% के बीच की जनसंख्या है जो गांव में रहती है, तो इसलिए भी गांव को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। दूसरी चीज की सोशियोलॉजी आया यूरोप से, लेकिन जब भारतीय समाज पे लागू किया गया तो कहीं ना कहीं एक ये समाजशास्त्रियों की ये जिम्मेदारी भी है कि भारत के अनुसार एक समाजशास्त्र या समाजशास्त्रीय अवधारणाएं विकसित की जाएं, क्योंकि इंडियन सोसाइटी बाकी समाजों से थोड़ी सी डिफरेंट है, अलग तरह की उसकी संरचना है, तो क्यों ना भारतीय समाज का अपने तरीके से अध्ययन किया जाए। तो इसलिए भी मुझे लगता है कि रूरल सोशियोलॉजी में या रूरल सोसाइटीज का अध्ययन किया जाना चाहिए, ये ना मान के कि ये एंथ्रोपोलॉजी का विषय है या फिर ये सोशियोलॉजी का या किसी दूसरे डिसिप्लिन का। मैं, हालांकि ये भी एक डिबेट है, लेकिन मैं इस बात, मैं अभी तो इसी बात तक को ज़्यादा रैशनल मानता हूँ। जब लोग कहते हैं कि भारत में सोशियोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी आपस में मिलती हैं, इसका ये मतलब नहीं कि दोनों डिफरेंट नहीं, डिफरेंट नहीं। सर, ये इंडिजिनाइजेशन ऑफ सोशियोलॉजी नहीं है क्या? इसको तो क्यों एंथ्रोपोलॉजी से ही जोड़ के देखा जाता है? वो तो है, लेकिन देखिए एक बात का दिमाग, इंडिजिनाइजेशन के बारे में भी एक टिप्पणी, थोड़ा सा गंभीर टिप्पणी है, कोशिश करूंगा मैं कि एक सरल तरीके से कह सकूं उसे।
कि जो साइंस, अगर सोशियोलॉजी नाम से अभी भी लॉजी है, अभी भी लोगस है जी। तो सोशियोलॉजी जो है वो एक साइंस, अगर आप स्वीकार करते हैं उसे जी। एक नॉट लाइक नॉट नेचुरल साइंस बट साइंस ऑफ स्पेसिफिक काइंड। तो साइंस की एक विशेषता तो जो नेचुरल साइंस में और सोशल साइंस दोनों में होती है, होनी चाहिए, वो है कुछ चीज़ें जनरल लेवल पर, कॉमन लेवल पर यूनिवर्सल है और कुछ चीज़ें स्पेसिफिक है, स्पेशल है जी। लेकिन ये दोनों हैं जी। ये कहना मुनासिब नहीं है कि इंडियन सोसाइटी बड़ी स्पेसिफिक है जी, स्पेशल है और वहाँ कोई स्पेशल साइंस की ज़रूरत है। आई डोंट एग्री टू दिस पॉइंट। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हर समाज में कहीं ना एक एब्स्ट्रैक्शन के लेवल पर कॉमन है, हर समाज में पाई जाती है, यूनिवर्सल है। रिलेशनशिप को, कई अध्ययन को अगर सोसाइटी सोशियोलॉजी कहा जाए इंटरेक्शन, तो रिलेशनशिप एक लेवल पर, आपस में रिलेशनशिप एक लेवल पर यूनिवर्सल चीज़ है, लेकिन स्पेसिफिक भी है, कुछ स्पेसिफिसिटीज भी है। वो मेंडलीफ की टेबल से आप समझ सकते हैं एलिमेंट के जो क्लासिफिकेशन है, कि हर एलिमेंट अपने आप में स्पेसिफिक भी है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट है, कुछ लेवल पे जनरल भी है, वो यहाँ। तो इसलिए ये कहना कि मात्र इंडिजिनाइजेशन हो वही एक मेथोडोलॉजी होगी इंडियन सोसाइटी को समझने, उपयुक्त नहीं है। एक भारत के लिए उपयुक्त किस्म का इंडिजिनाइजेशन, मेथोडोलॉजिकल इंडिजिनाइजेशन या परस्पेक्टिवल इंडिजिनाइजेशन भी जरूरी है, विशिष्टीकरण जरूरी है, लेकिन एक यूनिवर्सलाइजेशन एक यूनिवर्सल लेवल पर भी समझना पड़ेगा। तो दोनों की आवश्यकता है। अल्टीमेटली वी आर सोशियोलॉजी, हम लोग अंततः समाजशास्त्र है, नहीं तो आप कोई और डिसिप्लिन खड़ा कर लीजिए, उसको कहिए। मुझे यहाँ एक लखनऊ स्कूल के विचारक याद आ जाते हैं, जो कभी कभी जिनको सुनते हुए पढ़ते हुए मुझे लगता रहा है कि वो कहने जाते हैं कि भारत का समाजशास्त्र पॉसिबल ही नहीं है। भारत इतना स्पेसिफिक समाज है, इतना विशिष्टता से युक्त समाज है कि भारत का समाजशास्त्र संभव ही नहीं है। अब यहां तक अगर कोई पहुंच जाए तो जरा ये अतिरिक्त पूर्ण बात है, पता नहीं, इससे सहमति जरा मुश्किल है। सर कुछ और कहना चाहेंगे आप रूरल सोशियोलॉजी के भविष्य पर, या कुछ कैसे काम होने चाहिए उस पर? मुझे एक चीज की, रूरल सोशियोलॉजी में इंडियन सोसाइटी का जो ग्रामीण समाज है उसमें एक चीज जो मैं ये तो नहीं कहूँगा कमी है, लेकिन एक चीज पे थोड़ा सा अगर और ज्यादा केंद्रित किया जाए वो है कि क्या ग्रामीण समाज में, भारतीय ग्रामीण समाज की एक, अभी जो मैं चर्चा कर रहा था, एक कोई ऐसी थ्योरी भी हो सकती है जो उसकी विशेषताओं को एक जनरलिटी के लेवल पर, एब्स्ट्रैक्शन के लेवल पर एक्सप्लेन कर सके। कुछ हैं, कुछ डेवलप हुई हैं, लेकिन अभी मुझे लगता है उसकी आवश्यकता है और उसके लिए कुछ काम करने की आवश्यकता है। दूसरा, भारतीय गांव के अध्ययनों के लिए जो पिटे पिटाए अध्ययन हैं उनके बनिस्पत कुछ ऐसे अध्ययन भी होने चाहिए जो अध्ययन, जैसे प्रोफेसर चौहान ने भी वो दिन की बात कर रहा था, उन्होंने सुझाए हैं, अभी तक तो कोई कर नहीं रहा है, कि कम से कम एक गांव के लेवल पर नहीं, दो गांव के लेवल पर नहीं, एक ब्लॉक के लेवल पर कम से कम, या कई ब्लॉक के लेवल पर अध्ययनों को करने की आवश्यकता है। मतलब मल्टीपल विलेजेस को अध्ययन करने की आवश्यकता है। हाँ, किसी एक व्यक्ति की लिमिटेशन हो सकती है, लेकिन एक टीम की लिमिटेशन नहीं हो सकती। अगर कुछ लोग एक ऐसी टीम बनाएं अपने रिसर्च स्कॉलर्स की, आखिरी बात अगर मैं कहूँ इसमें कि मुझे यूरोप में की यूनिवर्सिटीज में जो भी है वहाँ जब जाने का अवसर मिलता है तो एक बात हमेशा स्ट्राइक करती है जी।
और साइंस के डिपार्टमेंट में, विशेष रूप से सोशल साइंस के डिपार्टमेंट में, वहाँ अक्सर एक डिपार्टमेंट में कई टीम्स होती हैं। टीम्स का मतलब ये खाली एक टीचर नहीं होगा, एक प्रोफेसर नहीं होगा, उस प्रोफेसर के साथ एक रीडर भी होगा जिसको आजकल एसोसिएट प्रोफेसर कहते हैं, एक लेक्चरर भी होगा जिसको आजकल असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं, दो तीन पोस्ट डॉक्टरेट भी होंगे और डॉक्टरेट स्कॉलर्स भी होंगे जी। ये सब मिलकर एक टीम बनाएंगे और वो टीम एक किसी एक थीम पर काम करती है, एक एस्पेक्ट पे काम करती है और अक्सर उनके पब्लिकेशन सब कॉमन होते हैं जी। तो मुझे लगता है कि साइंस को या रूरल सोशियोलॉजी की रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए स्कॉलर्स की एक टीम बनानी चाहिए जिसमें सीनियर स्कॉलर्स भी दो तीन हों, जिसमें मिडिल लेवल स्कॉलर्स भी हों और जिसमें जूनियर स्कॉलर्स भी हों। यहाँ रिसर्चर से मतलब पीएचडी स्कॉलर का मतलब मेरे टीचर कहा करते थे कि आप कोई स्टूडेंट नहीं है, आप भी एक स्कॉलर हैं और आप जूनियर स्कॉलर हैं, मैं सीनियर स्कॉलर हूँ, इतना फर्क है। विद्वान दोनों हैं, एक अभी यंग विद्वान है। तो एक ऐसी टीम होनी चाहिए 5, 6, 7, 8, 10 लोगों की जिसको अध्ययन करना चाहिए। अगर एक डिपार्टमेंट है 15 टीचर्स हैं जी, तो उनमें से 2-3 टीचर्स टीम में शामिल हों जो रूरल में इंटरेस्टेड हों, 2-3 पोस्ट डॉक्टरेट हों, डॉक्टरेट हों। ये टीम वर्क है जी। इस किस्म के टीम वर्क की ज़रूरत है अगर हमें ग्रामीण समाज में या किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है। मैं इसका एक आखिरी कमेंट कर दूं इस पर जी। कि मुझे मालूम है कि जो डिविसिव लॉजिक है, जो विभाजन का जो तर्क है, वो इतना कभी कभी गहरे उतर जाता है कि एक डिपार्टमेंट में एक ही थीम पर रूरल काम करने वाले लोग कभी एक दूसरे को फूटी आँख सुहाते भी नहीं है। डिफरेंसेस इतने ज़्यादा गहरे हो जाते हैं कि वो अलग अलग हो जाते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि डिफरेंसेस अपार्ट, मतलब डिफरेंसेस दूर रहें, अंतर का अध्ययन के स्तर पे एक समय के होना चाहिए, तब शायद हम आगे बढ़ पाए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने जो प्रोफेसर चौहान के सोशियोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन पर प्रकाश डाला और रूरल सोशियोलॉजी का जो जो समकालीन परिदृश्य है उस पर भी अपने बहुत मूल्यवान कॉमेंट्स दिए, और आपको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग जल्दी ही फिर मिलेंगे और फिर एक किसी अन्य मुद्दे पर बातचीत करेंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद रुचिता का भी, रुचिता जो मेरे रिसर्च स्कॉलर हैं, हमारी श्रृंखला की आगे की कड़ी और जो रिकॉर्डिंग का काम कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से संभाले हुए हैं। मुझे भी ये मौका देने के लिए बहुत जी, थैंक यू आप सबको।